मैं हूँ जिया, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला। यो गाइस, तो यार इस समय देख सकते हैं ये आ गया पहला टोल। यानी आप समझ गए मैं किस साइड जा रहा हूँ। नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, ब्लॉग में बने रहिए, आपको पूरी हर चीज़ पता चल जाएगी कि हम जा कहाँ रहे हैं। पहला टोल आपने देख लिया ना, बस ये समझिए कि भाई तुम्हारा भाई थोड़ा सा लंबा ले जा रहा है राइड पे। लेकिन भाई साहब जो गदर वाली ठंड पड़ रही है ना, मतलब जैसे बीच बीच में से पेड़ वेड़ आ जाते हैं ना, फॉरेस्ट टाइप खुला खुला एरिया, तो वहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा आ जाता है। ये देखिए सामने मैंने हाई बीम की रही होगी तो आपको दिख रहा होगा। और यही अगर मैं जैसे अब घर वर बने हुए और सिटी टाइप थोड़ा बहुत, तो उसमें इतना नहीं दिखाई देगा, लेकिन खुले एरिया में दिखाई देता है। तो चलिए अभी भी नहीं समझ जाएंगे, बस कुछ पल की और इंतज़ार करते हैं, फिर हम पहुँचाते हैं जहाँ पर हमको जाना है। दोस्तों देखिए, हो गई अब सुबह। भाई साहब इतना फॉग देख सकते, अगल बगल रात थी तो इसलिए आप लोग को दिख नहीं रहा था, लेकिन अब देख लीजिए सुबह हो गई है। एक जगह से और निकलूँगा, वहाँ पे तो मुझे लगता है 110% वहाँ पे तो भाई फॉग होगा ही होगा। और इस समय मेरे को ठंड हल्की फुल्की लग रही है, पता है क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी इस समय बगीरा हीट बहुत होती है, क्योंकि ये 390 जो ये BS4 मॉडल है, हीट बहुत होती है, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा ठंड नहीं लग रही, आराम मिल रहा है। अब समझ जाइए मैं आया कहाँ हूँ। अब दोस्तों इतना इजी चीज़, अब आप लोग नहीं समझेंगे तो भाई कौन समझेगा, बच्चा समझ जाएगा कि मैं कहाँ आया हूँ। नहीं समझ पाए तो भाई कोई बात नहीं, अब गंगा जी, ओ भाई साहब, यस यू आर राइट, हम आ गए कानपुर। वाह दोस्तों, कानपुर की गलियां मज़ेदार। मज़ेदार कानपुर गलियां, दिल खुश हो गया। ओ भाई साहब, कानपुर की गलियों में घूम जाओ तो भाई मज़ा आ जाता है, समझ रहे हो? मेरे को सुबह सुबह बुला के खुद सो रहे हो, ऐसी लात मारेंगे ना उठ जाओगे। ओए तेरी भैंस की टांग, नूबड़े अट बे, उठ जाओ नहीं तो धमाके ही धमाके। इसको उठाओ, इस लौंडे को। अब ऐसा उसको जगा में निखिल। ए और प्यार से उठा बे। बाय बाय। दो कंटाव लगाए तभी उठे हो। अगर ये व्लॉग यूट्यूब पर गया, ये जाएगा भाई, ये जाएगा, ये सब लोग देखेंगे, ये जाएगा जाए। तो मैंने क्या बोला था भाई, मैं आऊंगा, मैं वीडियो शूट करूंगा, अब तुम लोग नहीं उठे, तुम लोग नहीं तैयार है, तो भाई मेरी गलती नहीं है, अब मैं वीडियो बना दिया। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं पैदल चल रहे हैं। कहाँ जा रहे भाई लोग? चाय पीने भाई, लखनऊ से यहाँ पे बस मैं चाय पीने आया हूँ, और निखिल भाई के हाथ के ऑमलेट खाने आया हूँ। और इसके भाई इसका क्या कर रहे हैं? सुनो भाई निखिल, सॉरी सचिन भाई ने इसका नाम बताया क्या रखा है? जियान। क्यों रखा है? जियान ज्यादा दिखता है, लेकिन हर कहते नहीं है। मैं हूँ जिया, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला। ये पता करो यार, भाई यार अपना भाई है यार,
सब यार ब्लॉग में अगर तफरी ना हो तो भाई क्या ही मजा है। चल मेरे गेंडू है तो तफरी है। यस आई एम सफरी, आई एक्सेप्टेड, बट दिस इज गेंडू, लुक एट दिस। और सुनो अब हंसते कैसे? खत्म फिर का करना। और ये घर पे ब्लॉग देखेंगे अंकल, तोड़ देंगे गलती देख लेंगे। हाँ सही बता रहे। तो चलो यहाँ से कितना दूर है? थोड़ी दूर, थोड़ी दूर और बचा है, क्योंकि भाई हम चार लोग तो बाइक एक थी, तो हमने सोचा पैदल पैदल चलते हैं। तो चलो चलते हैं और वहाँ पे पहुँच के फिर हम मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और ये देख सकते हैं चाय। और इस जगह का नाम क्या है? हाँ बनारसी। तो हम लोग चार चाय ऑर्डर कर दिया, तो चार चाय अभी आ रही है अपने पास। तो ये देखो दोस्तों यहाँ की चाय, देखो तीन, ये चौथी चेहरा भी देख लो, ये रहा चेहरा, ये रहा चेहरा, ये रहा चेहरा। और इस देख लो बनारसी की स्टॉल, तो देख लीजिए यहाँ पे भाई कानपुर, बस यही करने आए हम लोग। अब देखते हैं कि क्या होता है भाई। और कुछ खाना है तुम लोग? नहीं भाई। कुछ खाना है तो बताओ। बताए दोस्तों यहाँ की चाय कितने की? 100 रुपये की चार चाय, यानी 25 की एक चाय। तो यहाँ पे देख सकते हैं गरम गरम पकौड़ियाँ निकल गई हैं, और तो ये अभी हम पैक करवाएंगे। बाकी हमें तो समोसे खाने, तो अभी समोसे निकलेंगे, दो समोसे मैं खाऊंगा, तो उसके लिए दो समोसा भी निकलेंगे। बाकी तो ये सब पैक हो रही हैं करके। तो गाइज यार इस समय यार वीडियो एडिट कर चुका हूँ और वीडियो थोड़ा लेट आया। अचानक जब माइक से जब आवाज चली जाती ना, और जितना मतलब ब्लॉक करो फिर माइक से आवाज चली जाए, आपने देखा जब मेरी बाइक गिरी तब से मेरे को लगा आवाज़ आ रही होगी, आवाज़ आ रही होगी, तो मैंने चेक नहीं किया था। लेकिन यार एंड टाइम पे जो जो मैं गया था, जहाँ से पकौड़ी पैक करी फिर वहाँ से फिर मैंने एक भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं की भाई, बहुत यार दिमाग खराब हो जाता है। फ़ोन से जो मैंने पकौड़ी वाला जो ऑर्डर पैक करवाया था तो करवा दिया, अब डायरेक्ट मैं यहीं पर आके एंड कर रहा हूँ यार वीडियो। यार क्या सोचता हूँ क्या हो जाता है यार लाइव, यार इतनी इजी नहीं यार, मतलब अच्छा खासा ब्लॉग करो फिर जब घर पे हो तब देखो कि आवाज़ गायब, दिमाग घूम जाता है। अभी आप सोच रहे स्माइल है चेहरे पे, ओ भाई बस कैमरे के सामने स्माइल है, लेकिन जो गुस्सा भरा है ना अंदर, अभी मैं चेक करूँगा यार कैमरे में कि कैमरे में मतलब माइक में क्या दिक्कत है, अच्छे से चेक करके फिर हम देख क्या सीन है। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और बाकी यार वीडियोज अब लगातार आने वाले हैं, थोड़ा बहुत इश्यूज हो गए थे लेकिन अब कोई बात नहीं, वीडियोज बहुत जल्दी आएंगे।